बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अज असा मोहम्मद अल्लाह यानी शरई कानून जो है उन बाब नंबर सत के मूजिब जो सब्जेक्ट मैटर है हनफी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मोहम्मद अल्लाह के चैप्टर नंबर सेवन जो सब्जेक्ट मैटर है हनफी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी हनफी कानून के अंदर विरासत जो कानून विरासत के हवाले से चवे। हनफी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बाब नंबर सत में टोटल छवीह सेक्शंस हैं। चैप्टर नंबर सेवन हनफी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में विरासत के कानून के हवाले से वारसन की तकसीम कई वही है वह टिन किस्मन में यानि टिन क्लासेस में वारसन के विरहाय वो है। देर आर थ्री क्लासेस ऑफ हेयर्स अंडर हनफी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। हणुए अंग्रेजी जबान के हवाले से तो पर्यो जो क्लास है उनके शेयरर्स सदों था, बियों रेजिडुअरीज, टियों डिस्टेंट काइंड्रेड। जैसे अस इन तर्जुमो कदें जबान में पाँच समझानी की मूजिब त शेयरर्स यानि फोती का बाद में जो असल वारस जो पुट है तो उनके अस शेयरर्स के कैटेगरी में आणूँ था छूँ था। उनका बाद में जो न्याणियों हैं उ रेजिडुअरीज के हवाले से अची वजन थी। उन बाद में है डिस्टेंट काइंड्रेड यानि अगर तुम शेयरर्स भी न हो रेजिडुअरीज वाले जो हेयर्स के हवाले से क्लास न हो तो फोती की मिल्कियत डिस्टेंट काइंड्रेड में हली वी छे कर पर्यों ए बो क्लास मौजूद ना है। इन कर टे क्लास में तकसीम कई वी अगर जो शेयरर्स यानि पर्यों क्लास बो क्लास यानि शेयरर्स एंड रेजिडुअरीज मौजूद हैं तो डिस्टेंट काइंड्रेड यानि जो टो क्लास है उनमें कें किस्म की विरासत नी वे वो दावा कर सके तो। इन टिन्ही क्लासेस के हवाले से टेबल दिनल है चैप्टर नंबर सेवन मोहम्मद ला के अंदर तो कड़ा कड़ा शेयरर्स के टेबल में अचन था यानि पहले क्लास की कैटेगरी में वारसन के हवाले से बो क्लास की कैटेगरी रेजिडुअरी के हवाले से कड़ा वारस अचन था वह टेबल दिनल है। टों जो किस्म है डिस्टेंट कॉन्ड्रेड उन हवाले से उन चैप्टर नंबर सेवन में हनफी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में टेबल दिनल है तो उ कड़े कड़े किस्म जहा वारस जो शेयरर्स रेजिडुअरीज डिस्टेंट काइंड्रेड के टेबल में अचन था। उन बाद में अस इन ही चैप्टर के हवाले से सेवन चैप्टर नंबर मोहम्मद ला के हवाले से जब अस जिक्र कें तो में कुछ मुख्तलिफ़ अल्फाज अड़ा जो इतने कानून के मूजिब शरई कानून के हवाले से समझण तमाम अहम ए ज़रूरी है। उनमें अड़ा खास लफ्ज़ दिनल जैके शायद तुम असा बुधा जरूर हूँ लेकिन उनकी समझाइण के हवाले से उन समझण के हवाले से शरई कानून यानि मोहम्मद ला के हवाले से असें थी सके तो एतरी जान पे न हो जेतरी असि पढ़ने का बाद में उन इल्म में वाधारो थो है। हाँ मिसाल के तौर पर तुधो हों त अगर जो फोती वफात करे वे तो उनको को भी वारस को यानि न पुट आ न जाल आ न धी आ न चाचू आ न मामू आ सोट आ केर भी उनको कोने को तो उन फोती की जो मिल्कियत होंगी गवर्नमेंट उनकी वारस थी। फोती की मिल्कियत जो है वह गवर्नमेंट के खजाने में हली वी यानि गवर्नमेंट उनकी वारस थी। तो मोहम्मद अल्लाह में इनकी तस्दीक थियल है तो उनको लफ्ज़ जो दिनल है वह है एस्टेट ई एस सी एच ई ए टी। उनकी माना है तो अगर जो फोती वफात करे तो वे उनको को भी वारस कोने को तो उन फोती की जो टोटल मिल्कियत होंगी वह गवर्नमेंट के खजाने में हली वी गवर्नमेंट ही उनकी वारस होंगी उनकी मिल्कियत की जो फोती छे वो है छे तो उनको को भी वारस बाकी को दुनिया में। बो लफ्ज़ अस अक्सर कर बुधा आयो तो बास्टर्ड यानि हरामी इलिजिमेट चाइल्ड
विरासत के हवाले से मोहम्मद अल्लाह के चैप्टर नंबर 7 जो अस एस जी के हवाले से बुधायासे वो भी चैप्टर नंबर 7 में दिनल है। इन करे ही बास्टर्ड लफ्ज चैप्टर नंबर 7 के हवाले से दिनल है। तो बास्टर्ड हरामी बार जो जैसी मात है पर पी की खबर न हो वो मोहम्मद अल्लाह के चैप्टर नंबर 7 के हवाले से है। तो उन वो सिर्फ़ सिर्फ़ पाँगी माँ की विरासत यानि पाँ माँ जो वारस थी सके तो पाँचे पी की खबर न होजन के करे हू पाँचे पी की दावा या उन विरासत में वारस न थो थी सके न वरी दावा कर सके तो यानि एसचीट उन बाद में बास्टर्ड यो भी चैप्टर नंबर 7 में दिनल है। हाँ ही जेके लफ्ज तकसीम के हवाले से विरासत के हवाले से हनफी लॉ के अंदर चैप्टर नंबर 7 में जेके दिनल है ये उन टिन्ही क्लासेस का बाद में यानि हूँ तो टे क्लासेस जेके आहिन विरास वारसन जा विरासत के हवाले से शेयरर्स रेजिडरीज एंड डिस्टेंट काइंड्रेड ये लीगल हेयर्स आहिन उहे दावा कन था तो जेको फोती छॾी वियो उन जा वारस कानूनी शरई तरह से मौजूद आहिनि। उन्हनि में कंहिं किस्म जी फतवा जी या कंहिं किस्म जी कानूनी चाराजोई जी का ज़रूरत कोन्हे। उहे सिधा सिधा वारस आहिनि ऐं उहे सिधा सिधा वारस हुजण जे करे हू वारसीअ में विरासत में दावा करे सघनि था। लेकिन जेकर एसचीट आहे उहो दावा तॾहिं करे सघंदो जॾहिं उनजी स्क्रूटनी थींदी उहो ॾिसंदो त वाकई उनखे ॾिठो वेंदो त हिन फोतीअ जो को बि अहिड़ो वारस हिन दुनिया में बाक़ी न आहे ऐं सिर्फ़ु गवर्नमेंट ई उनजी वारस थी सघंदी। इन करे उनखे एसचीट सॼो वञे थो त फोतीअ जी विरासत या जेका मालिकाणा हक़ूक़ आहिनि जंहिं प्रॉपर्टी जे अंदरि उनजो को बि हिन दुनिया में वारस बाक़ी न रहियो। इन करे उहा गवर्नमेंट ई उनजी वारस हूंदी। वरी बास्टर जे हवाले सां बि हुयो त उहो इन टिनी क्लासिस जे अंदरि नथो अचे लेकिन हू ॿार जेको हरामी ॿार जंहिंखे असां चऊं था जंहिंजे पीउ जी का ख़बर न हुजे उहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु माउ जे लाइ वारस आहे। बाक़ी कंहिं बि क़िस्म जे कंहिं बि तरीक़े सां का बि दावा पीउ जे हवाले सां नथो करे सघे त हीउ मुंहिंजो पीउ आहे छाजे करे त हू शरई मोहम्मद लाज चैप्टर नंबर 7 में हुनखे बास्टर जो नालो ॾिनो वियो आहे। उन खां बाद में आहे फॉइटस। इहो आहे गेस्टेट जंहिंखे असां अंग्रेज़ी ॿोली में चऊं था जंहिंखे आसान अल्फाज़ में चऊं था त अनबॉर्न चाइल्ड माना अञा ॿार ॼाओ कोन आहे। इहो बि मोहम्मद लाज चैप्टर नंबर 7 हनफी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जे हवाले सां आहे। त छाकाणि अगरि फोती मरी वियो या हिकिड़ी औरत जे पेट में ॿार आहे ऐं हुनजो मुड़ुसु मरी थो वञे उहो ॿार जेको आहे सो केतिरे वक़्त जे अंदरि ॼमे त उहो वारस थी सघे थो। त मोहम्मद लाज चैप्टर नंबर 7 हनफी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जे हवाले सां आहे। त जेको फॉइटस आहे यानि अनबॉर्न चाइल्ड आहे उहो अगरि जेकॾहिं फोती यानी हुनजो पीउ मरी थो वञे उन माउ जे पेट खां 6 महीननि जे अंदरि अंदरि जेकर हिन दुनिया में हू जनम ॾिए थो त ही इज़ लेजिटिमेट चाइल्ड यानी ही इज़ लीगल हेयर। 6 महीननि जे अंदरि अंदरि ॼाओ ॿार ऐं पीउ जी वफ़ात खां वठी त ही पंहिंजे फोती पीउ जी मिल्कियत में वारसी जी दावा करे सघे थो। 6 महीननि खां बाद में जेकर ॼाओ उहो कंहिं बि तरीक़े सां पंहिंजे फोत थियल पीउ जी छॾियल मिल्कियत में विरासत जी दावा नथो करे सघे। इहे थी विया टे अल्फाज़ जेके चैप्टर नंबर 7 जे हवाले सां। हाणे चोथो आहे त हिकु औरत जंहिंखे मुड़ुसु तलाक ॾिए थो ऐं हूअ 3 महीननि ताईं इद्दत गुज़ारण जी पाबंद थिए थी 90 ॾींहनि ते फॉर 90 डेज़। 90 ॾींहनि जे अंदरि अंदरि उहो मुड़ुसु जंहिं हुनखे तलाक ॾिनी उहो वफ़ात करे वञे थो। त मोहम्मद ला जे चैप्टर नंबर 7 हनफी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जे हवाले सां आहे। त उहा औरत जंहिंखे तलाक मिली उनजो मुड़ुसु 90 ॾींहनि जे अंदरि अंदरि यानि इद्दत जे दौरान वफ़ात करे वियो त उहा तलाक बाक़ी न थी रहे। उहा ज़ाल ईअं ई ज़ाल हुई जीअं तलाक खां पहिरियां हुआ हुनजी शरई लिहाज़ सां घरवारी सॾिजे पई ऐं रहंदी ऐं हूअ पंहिंजे फोत थियल मुड़ुसु जी छॾियल मिल्कियत मां वारस आहे ऐं रहंदी। इहो चैप्टर नंबर 7 मोहम्मद अल्लाह जे हनफी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जे हवाले सां बि ज़िक्र कयल आहे। यानि उहा घरवारी 90 ॾींहनि जे अंदरि इद्दत गुज़ारण जे दौरान अगरि जेकर हुनजो मुड़ुसु वफ़ात करे वञे थो त उनजी तलाक बाक़ी न थी रहे उनजो को वजूद न रहंदो ऐं हूअ पंहिंजे मुड़ुस जी ज़ाल सॾबी ऐं हूअ विरासत जी हक़दार आहे ऐं हिसेदार आहे।
उन बाद में है यूनिवर्सल लिगेटी, पंजो नंबर अल्फाज है चैप्टर नंबर 7 के हवाले से जिक्र पा कर मोहम्मद अल्लाह हनफी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के हवाले से। यूनिवर्सल लिगेटी होंगे, यूनिवर्सल लिगेटी बाय विल माना वसियत, जो फोती पाजी मिल्कियत कंखे वसियत कर चाहे तो पोया वारस भी औलाद है जाल है कंखे वसियत एक भांगे टे मिल्कियत जो हिस्सो दई सके तो यानि जैके वसियत कई वही या जैसे हक में वसियत थी वो यूनिवर्सल लिगेटी के जिमरे में अचे तो एक भांगे टे जी हवाले से मिल्कियत जो दावेदार थी सके तो छाजे करे तो उनके फोती पांजे जेरे एक भांगे टे वसियत के हवाले से उनके मुंतखब करे वो। पर अगर जगह मोहम्मद लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के हवाले से मोहम्मद लॉ जो चैप्टर नंबर 7 में इन शे के थोड़ो वाजे किया है तो अगर जगह वो फोती जो मालिक है जो वसियत करे तो उनके वसियत एक भांगे टे शरी कानून मूजिब करनी है उनके वधिक नथो कर सके तो चैप्टर नंबर 7 में इन शे जी तमाम अहम ए सुहे तरीके से वजाहत की वही है तो अगर उन फोती के को भी वारस को मरी तो वे तो मां तक बुधा तो वह एस्टेट थी प्रॉपर्टी उनकी सारी गवर्नमेंट के हली हुई माना गवर्नमेंट वारस ही हुई। पर इतने यूनिवर्सल लिगेटी के हवाले से है तो अगर जो फोती के पोया को भी वारस को तो हू पाजी सजी मिल्कियत वसियत करे कंखे भी दई सके तो उन पोजिशन में एक भांगे टे की कंडीशन जो होजल ए न होजल का भी माना न तो रखे यानि इतने ये साबित थी तो अगर जगह को मानू वसियत करे तो उनके पया को वारस को सजी मिल्कियत पाजी बाय विल वसियत के जरिए कंखे दई छे तो को भी मानू दावा नथो कर सके तो वसियत जो है पूरी गलत है छाजे कर एक भांगे टे डी फोती के पांजे समूरी मिल्कियत में इन कर सजी मिल्कियत वसियत नथो कर सके तो यो गलत हों छाजे करे तो उनके पोया को भी वारस न हो। अगर जो वारस है तो एक भांगे टे की तकसीम थी वसियत थी जो को भी उन दुनिया में को वारस ना है तो वो पांजी सजी मिल्कियत वसियत कर सके तो।